हेलो दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी पेडागॉजी 2015 के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन दो, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। ऑप्शन थर्ड, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन फोर, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। वो उसका क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल को से हम लोग एक क्रम से सीखते हैं। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। यह हमारे हिंदी पेडागॉजी और इंग्लिश पेडागॉजी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए, मौखिक कौशल के लिए। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्न के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। ऑप्शन फोर, किसी विषय पर चर्चा करना। देखिए, आप प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं तो बच्चा मौखिक रूप से ही तो बोलेगा, आप पूछ रहे हैं प्रश्न का तो वो उत्तर देगा। ऑप्शन फोर क्या, किसी विषय पर चर्चा। वो किसी विषय पर चर्चा कर रहा है तो वो अपने मुख से ही तो बोलकर चर्चा कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है कि बच्चों की बात को ध्यान सुनना। तो ये हम शिक्षक सुन रहे हैं, इसमें तो मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, बच्चा तो बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या है, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। ऑप्शन थर्ड, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। ऑप्शन फोर क्या है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो इसका सही आंसर क्या है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? पहला, द्विभाषी विधि। दूसरा, अप्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन थर्ड, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन फोर, अनुवाद विधि। तो भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है, तो क्या है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन वन, समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ऑप्शन दो, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ऑप्शन थर्ड, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्यघात होता है। ऑप्शन फोर, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर है, समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। क्वेश्चन क्या है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्न के उत्तर सरलता से याद करवाना, भाषा का विस्तार कराना, क्या उद्देश्य नहीं है? तो बस ये उद्देश्य नहीं रहता है कि प्रश्न के उत्तर आप सरलता से याद करवा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। तो बस बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये उनका उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। अब भाषा के उच्चारण पर उनकी विशेष निगरानी करनी पड़ती है कि बच्चों में भाषा का उच्चारण कैसा है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी सही है। बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, ये भी सही है। चित्रों के माध्यम से व्यक्ति का विकास, ये भी सही है। तो बस लेखन में परिपक्वता लाना, ये उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन दो, केवल पाठ से ही संबंधित हो। ऑप्शन थर्ड, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। ऑप्शन फोर, सरल भाषा वाला हो। तो देखिए क्या है कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। पाठन पाठन के अंत में अभ्यास और गतिविधि का तो यही तो उद्देश्य होता है ना, कि हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, उनके शारीरिक मानसिक अभ्यास के कार्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम अनिवार्य रूप से होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा बहुत ही प्रेरित होता है और कुछ नया करने के लिए सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? पहला लिखित प्रश्न पत्र, ऑप्शन दो पाठ से देखकर सुलेख लिखना, ऑप्शन थर्ड बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन फोर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो इसका सही आंसर है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी पाठ, ऑप्शन दो पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन थर्ड औपचारिक पत्र, ऑप्शन फोर आतंकवाद पर आधारित निबंध। तो इसका सही आंसर है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी, बच्चे की भाषा ही पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती, ऑप्शन फोर सरल होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दो बच्चे की भाषा ही पूंजी होती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना आवश्यक इसलिए है क्योंकि घर की भाषा ही बच्चे की भाषा ही पूंजी होती है। वह आमतौर पर वो बहुत समय अपने घर में ही रहते हैं, वो कुछ समय के लिए स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल से ज्यादा टाइम वो अपने घर पर रहते हैं, तो इसलिए वो बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा सीखने के संदर्भ का उद्देश्य होता है, ऑप्शन फर्स्ट अभिभावक को प्रश्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, ऑप्शन थर्ड कॉपियां भरवाना, ऑप्शन फोर सीखने को विस्तार देना। तो इसका सही आंसर है सीखने को विस्तार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है, आंशिक रूप से होता है। तो इसका सही आंसर है आंशिक रूप से होता है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां अस्थाई होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थाई होती हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दो, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थाई होती हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रीवियस ईयर देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।